हेलो एवरीवन, चलिए आज बनाते हैं मकई की चटपटा सा चाट। और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 4 मकई, इसको मैं आधे आधे डिवाइड कर देती हूँ और उसमें मैं डाल देती हूँ कुकर में सारे अपने मकई को। और इसमें मैं पानी डाल के मकई को बॉईल कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं कम से कम आपको 1.5 गिलास तक पानी लेना है और मैं गैस पर चढ़ा देती हूँ तब तक मकई बॉईल हो जाए। और मकई को मैं कम से कम 4 से 5 लीटर लगा लेना है। 4 से 5 जैसे लगाने के बाद देखिए हमारा मकई जो है पूरी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। मैं इसको प्लेट में निकाल देती हूँ। और यहाँ पे क्या करना है, आपको सारे मकई के दाने निकाल लेना है। तो मैं धीरे धीरे करके सारे मकई को दाने निकाल लेती हूँ। तो ये रहा हमारा मकई जो, और मैं इसमें कुछ वेजीज भी ली हूँ जैसे कि प्याज, शिमला मिर्च और हरा मिर्चा और नींबू। अब मैं कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लेती हूँ, उसमें मैं डाल देती हूँ अपने ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज डालने के बाद आपने लेने हैं अनियन, और अनियन को भी खूब अच्छे से सॉटे करने के बाद गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेना है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे अपना शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी आपको ऐसे ही सेम करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेना है। सारे अच्छे से कुक हो जाए वेजीज तो आप उसको अपने डाल दो सारे अपने बॉयल हुए मकई, और मकई को भी खूब अच्छी तरह से सॉटे कर लेना है। कम से कम आप 1-2 मिनट तक मकई को कुक करो। मकई को कुक करने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ चाट मसाला और आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालने के बाद आप उसको डाल देना है स्वाद अनुसार नमक। स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद मैं इसमें लास्ट में डाल देती हूँ रेड चिली पाउडर। थोड़ा थोड़ा तीखा तीखा लगना चाहिए ना, तब चटपटा लगेगा। लास्ट में मैं डाल देती हूँ नींबू। नींबू डालना कभी छोड़ना मत यार, नींबू से ये तो स्वाद बढ़ता है। चलो अब मैं चलती हूँ प्लेट में सर्व कर देती हूँ। तो ये चटपटी सी चाट तो यार देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटी लग रही है। मेरे मुंह में तो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है यार। आप इसको ना शाम के नाश्ते और सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हो। तो मैं तो चल रही हूँ सर्व कर देती हूँ फटाफट। और लास्ट में मैंने इसको थोड़ा सा सेव के साथ भी सर्व कर देती हूँ। तो यार अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो चलो यार मैं तो चली खाने। आप मुझे बताना कि अगर आपने कभी ये चटपटा सा चाट बना के खाया है मकई के, कमेंट करें।